ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। सुल्तानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक शेरे सुल्तानपुर संतोष पांडे जी ने गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारी रमेश कुमार को लगाई फटकार। युवा हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों की शान सुल्तानपुर के नभुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक माननीय श्री संतोष पांडे जी ने NH-56 सुल्तानपुर से वाराणसी तक, जिसकी स्थिति आजकल बहुत खराब है, जिस पर अपने साधनों उस सड़क पर चलने पर क्षेत्रवासियों एवं जनपद वासियों के चलने में बहुत कठिनाई होती है। अभी तक उसी NH-56 पर कम से कम 4 से 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत और बहुत से लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। आपको बताते चलें कि NH-56 का निर्माण के प्रोजेक्ट का कार्य गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। गायत्री मंत्र प्रोजेक्ट कंपनी को जिले के हनुमानगंज, लंबुआ और चांदा में 3 जगह निर्माण कार्य इसी का कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। सुल्तानपुर जिले के अंदर वर्तमान में भाजपा के 4 विधायक और समाजवादी पार्टी से 1 विधायक हैं। इन लोगों में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक कार्य, नौजवानों, गरीब पीड़ित मजदूरों, शोषित किसानों एवं सरकारी सुविधाओं से वंचित लोगों की आवाज को उठाने का निरंतर कार्य लंबुआ के पूर्व बाहुबली विधायक माननीय श्री संतोष पांडे जी के द्वारा किया जाता रहा है। हाल ही में मुंबई के बहुचर्चित पालघर हत्याकांड से लेकर एटा में 5 ब्राह्मणों की हत्या के मामले में उक्त दोनों प्रकरणों में पीड़ितों की हर संभव वित्तीय सहायता एवं आर्थिक सहायता की मदद लंबुआ के पूर्व बाहुबली विधायक श्री संतोष पांडे जी के द्वारा की गई है। लाखों युवाओं की धड़कन, युवा हृदय सम्राट माननीय संतोष पांडे जी आने वाले समय में भारत की राजनीति की मुख्य कारणधार साबित होंगे। संतोष पांडे बोल रहा हूँ। ब्यूरो राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सर, बढ़िया। मैं ये कह रहा था, ये जो सड़क बन रही है, एक तो ये बताइए कब तक कंप्लीट कर रहे हैं इसको? टोटल सर या? अरे यार टोटल ही बताओ, हमारी विधानसभा हम जो बन रही है इसकी क्या स्थिति, कब तक लग रहा है आपको पूरा कर लेंगे? पूरा तो आपको दिसंबर तक 99% कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? दिसंबर तक। दिसंबर तक। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे घर के सामने यहाँ जो सड़क है, रोड पे, हाईवे पे, आज भी एक्सीडेंट हुआ, हमारे गांव के एक लड़के को चोट लग गई। ये जो सड़क आप बना रहे हैं, इसकी जितनी भी साइड लेने हैं या ये जो सड़क है इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपकी है जब तक आप सड़क नहीं बना लेते? ये इतने गड्ढे हो गए, बरसात आने वाला है, कर क्या रहे हो यार आप लोग? इसको क्यों नहीं भरवा के पैचिंग करवा रहे हो सड़क की? जो आपका घर का सामने सड़क तो मेरा ही जिम्मेदारी। नहीं, मेरे घर का सामने छोड़ दो, आप पूरी विधानसभा की बात में कर रहा हूँ। टोटल धुमुआ और हनुमानगंज एंड लंबुआ एंड चांदा, हाँ, इसका जिम्मेदारी NH का है सर। NH ऑलरेडी टेंडर दे चुकी है, वो बंदा भी कल आया था, चेक कर लिया पूरा कितना कितना लगेगा। हाँ। और ये कल से ऑपरेशन से चालू कर रहा है सर।